टू गेमिंग विद अभिनीत। और भैया सेंट्रल जोन के साथ हमारा मैच आ चुका है भैया यहाँ पे, तो शशांक अग्रवाल खेलेंगे भैया, और कृष्ण राज सिंह और सूर्यांश सिंह को मैंने टीम में रख लिया, अतुल जायसवाल भी टीम में है, और ग्रासी सॉफ्ट ट्रैक है, नए कुछ प्लेयर्स मैंने रखे थे भैया बट वो आए नहीं तो मैं कुछ उसमें कर नहीं सकता। मोहाली में ये मैच हो रहा है, ग्रासी सॉफ्ट ट्रैक है जैसे मैंने कहा, और हेड्स और टेल्स में भैया टेल्स कहेंगे, टॉस हम ज़्यादा जीतते नहीं हैं, तो आई होप भैया ऐसा हो जाए। रिंकू सिंह लग रहे हैं, रिंकू सिंह ओके। तो इंडियन टीम के कैप्टन, T20 के कैप्टन हैं ये, और हम हैं उसके, फिर से नहीं टॉस जीते यार, सेंट्रल जोन ने टॉस जीत ली, कमाल होती है भैया, हर बार बैटिंग ले ले भाई। अरे क्या बात है, मान गया रिंकू मेरी, रिंकू सिंह मेरी भाई, मेरे भाई मेरी बात मान गए, थैंक यू। चलिए चेस करेंगे पर पहले गेंदबाजी करेंगे, शुरू करते हैं यहाँ पे अपना मैच। 61 मैचेस, 68 विकेट्स, काफ़ी मैचेस खेले हमने। जब बात आती है भैया वनडे नॉर्मल मैचेस की, इंटरनेशनल की नहीं, तो क्विकली यहाँ पे देखते हैं स्कोर कार्ड, तो पूरा हाल है। शशांक अग्रवाल खेल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अमित कुमार गौतम खेल रहे हैं, वहाँ पे गेंदबाजी देखी जाए तो कृष्ण राज सिंह फाइनली भैया बहुत अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं, वाडकर ने भी बढ़िया। तो पहली गेंद स्ट्राइक पे शशांक अग्रवाल भैया, और देखते हैं क्या बनेगा। पहली गेंद आती हुई, और अच्छी गेंद, अपील करेंगे, रहेगा तो नॉट आउट ही भैया, बट अपील करना हमारा फर्ज है, वही अदा करते हुए। नॉट आउट कहा अंपायर ने, कोई बात ही नहीं भैया। दूसरी गेंद आ चुकी है नॉर्थ जोन, अच्छा स्टार्ट लिया यहाँ पे सेंट्रल जोन के अगेंस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भैया नो बॉल होगी, पीछे फील्डर है, रन एक ही आएगा, तो पहला रन आज का हम दे चुके हैं, इनफैक्ट दो रन दे चुके हैं, थ्रो इतनी खास आई नहीं भैया पीछे से, तो नो बॉल भी थी तो ये तीन रन हो गए। तो लास्ट बॉल आ चुकी है इस ओवर की, देखते भैया यहाँ पे क्या बनेगा। बहुत ही, ओ भाई क्या बढ़िया है, आखिरी की तीन गेंदें आई है, ये देखिए आखिरी की तीन गेंदें देखिए, स्विंग होके कितनी अंदर आई है, कमाल एकदम। हमारा अगला ओवर आ चुका है भैया, अब स्ट्राइक पे गौतम है, देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। पहली गेंद कराने को बिल्कुल रेडी, शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर है, दो रन तो इन्हें मिल जाएंगे, तीन नहीं मिलने चाहिए बस, दो रन आते हुए। एक फील्डर पीछे रखा हुआ है भैया लेग साइड डीप पे, तो वो अपना काम दिखाता हुआ वहाँ पे। 10 ओवर हो चुके हैं, 41 ओवर कैसे पड़े भैया, 10 ओवर हो चुके हैं, 32 पे दो फील्ड मैंने फैलाई नहीं यार, मैं वैसे ही स्टार्ट हो गया बॉल कराने, आई थिंक अगर रन आएंगे तो देख लेंगे इसके बारे में, अभी तक बहुत ज़्यादा रन आए नहीं है तो फिर ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया मैंने। चलिए चौथी गेंद आती हुई स्ट्राइक पे गौतम रहेंगे, और हम शॉर्ट बॉल के साथ जा रहे हैं, और एज लगेगा और भैया चौका चला जाएगा, तो फाइनली पहला एज लग गया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक बार फिर से वही कहानी है, जो है वो गैप में गया, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। ये पांचवी गेंद अब इस ओवर की, और हमारा बिल्कुल फोकस्ड है टारगेट गौतम पे, इनका विकेट लेना, बट अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा भैया। लास्ट बॉल आ चुकी है, 17 रन हम दे चुके हैं, बिल्कुल 6 की रन रेट पे चले हुए हैं, और लास्ट बॉल पे उन्होंने भी सिंगल लिया, डबल ले सकते हैं, ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं वो, तो फाइनली 6 से ऊपर की कहानी चलेगी अब तो। चलिए भैया 12 ओवर हो चुके हैं, हम अपना अगला ओवर लेके बिल्कुल तैयार वहाँ पे। तीन ओवरों में 19 रन दिए, बट आई थिंक बॉलिंग अच्छी हुई है, एज भी लगा एक, और बाकी सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट किया है इन्होंने। चौथी गेंद इस ओवर की, 21 रन दे चुके हैं, फिर से कहानी 6 पे आ चुकी है भैया हमारी, 6 की रन रेट पे। ये भैया ऐसी मिस फील्ड्स मत करो, ओ भाई तो सो ही गए हैं यार, हेलो रुको बॉल पकड़ के आता हूँ। अरे यार मैं उसको उठाने जा रहा था, ज़रूरत क्या थी ऐसे फालतू के काम करने की। वो वैसे हिला अभी तक पीछे वाला बंदा, खड़ा कौन है वहाँ? ओके अपने कृष्ण राज भैया खड़े हैं तो थक गए होंगे यार, वो दूसरी तरफ से बॉलिंग करा रहे, उन्हें तुमने यहाँ खड़ा किया हुआ है, हद है। लास्ट बॉल आ चुकी है, 23 रन दिए, फिर से कहानी 6 वाली यहाँ पे चलती हुई। लास्ट बॉल भैया ये आउट होने चाहिए, अंपायर की भी उंगली उठेगी, बहुत ही अच्छी इन स्विंग थी ये, और नेचुरल स्विंग थी भैया ये, हमने इन स्विंग कराई नहीं थी, स्टैंडर्ड बॉल के साथ गए थे। रिव्यू अच्छा, इसमें रिव्यू नहीं होता क्या? बहुत ही बढ़िया विकेट गिरा है भैया, लास्ट बॉल यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल विकेट सिटिंग था क्या, लेग स्टंप पे जाके लगता अंपायर्स कॉल हो जाती है आई थिंक ये। एक तो यार ये कैमरा एंगल नहीं चेंज करते बिल्कुल भी, तो सरल कार बल्लेबाजी करने आए हैं भैया, बैटिंग बेहतरीन करते हैं, एक शतक लगाया हुआ है। दूसरी तरफ से अब चेंज हो चुका है, लियोन यंग आ चुके हैं, वहाँ पे हुआ क्या था, तो पिचिंग तो आउटसाइड ऑफ थी ये, इम्पैक्ट लाइन में था और विकेट अंपायर्स कॉल थी, तो मेरी सही सोच। चलिए 14 ओवर, 53 फॉर 3,
और कंटिन्यू करेंगे भैया अपना अगला ओवर। 4 ओवरों में 23 रन देके 1 विकेट, फाइनली भैया 1 विकेट मिल चुका है। इसलिए मैं थोड़े सा इस बार विकेट्स पे जा रहा हूँ ताकि स्विंग होके भैया LB का चांस बन सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बैट लग जाता है तो 2 रन मिल जाते हैं वहाँ पर, ये बड़ी प्रॉब्लम है। या तो एक लेग साइड पे क्लोज इन फील्डर 2-3 रखे जाए, कुछ ऐसे करके स्ट्रैटेजी बने। चलिए अभी तो ऑफ साइड पे चलते हैं, बढ़िया गेंद, रन नहीं मिलेगा। चलिए भैया चौथी गेंद आ चुकी है इस ओवर की, शशांक अग्रवाल भैया खेल रहे हैं स्ट्राइक पे, और ये कर दिया क्लीन बोल्ड। स्पीड देखिए वहां पे 153.2 इन स्विंगिंग यॉर्कर, कुछ समझ नहीं आया उनके, नीचे ही देखते रहे भैया कि कैसे स्विंग होगी, ये कमाल की यॉर्कर होती हुई वहां पे, और दिखा दिया भैया। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बॉलिंग में अभी भी दम है, खास करके जब बात आती है जोनल लीग की। रिंकू सिंह कप्तान आ चुके हैं, ओके, और ये भैया इंडियन टीम के कैप्टन है, इनका विकेट मिल जाए तो मज़ा ही डबल आ जाएगा। चलिए भैया शशांक भैया का विकेट लिया, यहाँ पे हमने 5वीं गेंद आ चुकी है, देखते हैं यहाँ पे रिंकू सिंह क्या करेंगे। और फिर से विकेटों पे कराई थी भैया, यहाँ पे एक फील्डर अब बहुत ज़रूरी हो चुका है, हर बार 2 रन नहीं दे सकता। चलिए इस बार तो एक ही लिया इन्होंने, बढ़िया स्टार्ट ले लिया रिंकू भैया ने। तो कुछ चेंजेस किए मैंने फील्ड पे, देखते हैं क्या बनता है इसके साथ। और पहली गेंद कराएंगे भैया अगले ओवर की, तो रन तो काफ़ी क्लोज सिंगल लिया भैया यहाँ पे इन्होंने, 1 रन मिलता हुआ, कार नाम पूरा भूल गया इनका। तीसरी गेंद आ चुकी है इस ओवर की, स्ट्राइक पे सरल कार, हाँ सरल, ओ गलत होगी ये बॉली। ओ यार ध्यान मेरा एक पता नहीं लैपटॉप पे कुछ ऐसे हुआ, मेरा ध्यान उधर को घूम गया, तो क्या है यार। चलिए फ्रीड मिल गई है वहाँ पे, ध्यान देना होगा भैया, ये छोटी मोटी डिस्ट्रक्शंस की तरफ नहीं जा सकते। बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर हैं, 2 रन तो मिल जाएंगे वहाँ पे, थ्रो डायरेक्ट आएगी, क्लोज हो सकता था। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वहाँ पे, तेज गेंदबाजी होती हुई। तो बल्लेबाजी का वक्त आ चुका है भैया, 7 शतक 17 अर्धशतक 147 हमारा हाईएस्ट स्कोर, इधर तो कुछ अलग ही लेवल पे खेलते हम। तो भैया ये 1 मिनट पहले इनकी बल्लेबाजी देखते हैं, 236 रन फाइनली इन्होंने बनाए, और एंड में भैया देश पांडे और राहुल चहर क्या बढ़िया बल्लेबाजी करके गए, बाकी तो कुछ खास करके नहीं गए वहाँ पे। वैगनर खतरनाक, और वैगनर स्पिनर थे, लेग स्पिनर थे, उन्होंने भैया 4 विकेटें लिए। तो एक बार फिर से ये गेम दिखाती हुई कि ग्रीन पिच में स्पिनर्स अच्छी कराएंगे। पेसर्स ने भी आई थिंक कृष्ण राज भाई को 1 विकेट मिल गई, हमें 2 मिल गई, बाकियों ने तो कुछ इतना खास नहीं किया, इकोनॉमिकल रहे। नितेश राणा यहाँ भी पिट गए भैया। चलिए जो भी है, बल्लेबाजी करते वहाँ पे भैया। पहली गेंद पे बढ़िया टाइमिंग आने के बाद दूसरी गेंद आ चुकी है भैया, सुर गेंदबाजी कराते हुए, ये शॉट अच्छा है, गैप में है, फील्डर पीछे है उनके, और 2 रन तो मिलने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही आराम से। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 2 रन आते हुए भैया, ज़्यादा तारीफें नहीं करूँगा यार, विकेट गिर जाती है तो। नारंग दूसरी तरफ से गेंदबाजी कराएंगे, लास्ट बॉल है। ओ भाई स्पीड का है तुम्हारी 102। मैं तो बहुत ही पहले ये देखो यार, स्पिनर लग रहे हैं ये तो। ओ भैया स्पीड ही नहीं मारने वाला है क्या कोई। 4 ओवर 19 रन, और नारंग गेंदबाजी कराएंगे, ये खतरनाक आदमी है यार, इनके पास तो स्पीड ही नहीं है, तो आराम से खेल के 1 रन लेके भैया साइड पे हो जाओ फिर तो, यही बेटर है। वैसे भी ग्रासी पिच है, पहले के ओवर्स निकालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी, थोड़ा इन्हें आगे आके खड़े होना ज़रूरी हो गया। चलिए अगली गेंद, शॉट अच्छा है ये, 1 रन मिलेगा फाइनली, टाइमिंग भी अच्छी आई है, 121 के आसपास की स्पीड। चलिए भैया चौथी गेंद आ चुकी है, एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि स्लिप एक एक्स्ट्रा आ चुकी है, लेकिन हमारा भी एज गैप में जाता है, ऐसी बात नहीं है भैया, स्लिप एक्स्ट्रा रखना आई थिंक एक बहुत अच्छा मूव था कैप्टन का, लेकिन भैया एज तो लगा लेकिन किसी के हाथ में नहीं गया, हमें ध्यान देना होगा इस चीज़ का। अभी तक बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, बट इम्प्रूव करेंगे भैया। 5वीं गेंद आती है, शॉट अच्छा है, 1 रन मिलेगा, थोड़ा सा मुझे बाउंस का ध्यान रखना होगा। चलिए भैया अगली गेंद इस ओवर की, मन कर रहा है शॉट हवा में खेल दूं, बट इस टाइम विकेट नहीं गिराना यार, छोटा स्कोर है, आई थिंक 50 ओवर अगर खेल जाएंगे आराम से तो बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये शुरू के खतरनाक ओवर निकालना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे।
शॉट बहुत अच्छा था, फाइनली एक अच्छा शॉट आया और लीजिए चौका मिलेगा वहां पे। शॉट बहुत ही अच्छा था, गैप नहीं मिला था, लेकिन भैया फील्डर वहां पे थोड़ी ज्यादा गलती करके जो नहीं करनी चाहिए थी उन्हें, ओवरथ्रो का चौका आया और बहुत अंदर थे यार नॉन स्ट्राइकर। चलिए भाई अगली गेंद इस ओवर की कंटिन्यू करेंगे। और कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, हवा में खेलने जा रहा था मैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और रिंकू सिंह से खुद ही कैच ड्रॉप हुआ है। कैप्टन ने कैच ड्रॉप किया यार, ये बढ़िया कैप्टन है, इन्होंने टॉस भी हमारे हिसाब से किया है और कैच भी ड्रॉप किया है। लेकिन भैया हवा में नहीं खेलना, बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था मैं यहाँ पे, कैच मुश्किल था इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने स्लिप एक हटा दी। ओके राहुल चहर आ चुके हैं भैया गेंदबाजी कराने, और 47 10 ओवरों में टीम का स्कोर हो चुका है। आई थिंक बढ़िया स्टार्ट मिल चुका है हमें। राहुल चहर पहली गेंद लेके बिल्कुल तैयार, बैट पैड होगा भैया, एक रन तो मिलेगा मुझे लग रहा है, दो मिल जाएंगे रनिंग अच्छी होगी तो। और 49 भैया 50 की ओपनिंग पार्टनरशिप यहाँ पे लग रहा है हो जाएगी। वैसे ज़्यादा काम यहाँ पे सूर्यांश सिंह ने किया, 32 रन उन्होंने लगाए हैं भैया, देखते क्या बनता है। चलिए दूसरी गेंद इस ओवर की कंटिन्यू करते हुए राहुल चहर अपनी लेग स्पिन लेके बिल्कुल तैयार। नहीं 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 रन नहीं मिलेगा। ओके मिस फील्ड एक बार फिर से, सेंट्रल जोन को बहुत ज़रूरत है अपनी फील्डिंग पे ध्यान देने की, कुछ फील्डिंग में चेंज किया है इसी बीच उन्होंने, ध्यान दे दिया। तीसरी गेंद आती है इस ओवर की, ये बहुत ही अच्छा शॉट है, रन हालांकि एक ही मिलेगा बट आई थिंक काफ़ी अच्छा शॉट है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा भैया हमारा स्पिनर्स के अगेंस्ट। और फाइनली 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है भैया, बहुत ही बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप, और थोड़ा टाइम ले रहे हैं बट बढ़िया अभी तक शुरुआत हुई है। 12 ओवर हो चुके हैं भैया, 59 टीम का स्कोर हो चुका है, और हम भी ठीक खेलना शुरू हो ही गए हैं धीरे धीरे। और ये अच्छा शॉट है भैया, पहला चौका फाइनली, पहला तो नहीं है यार, एक ओवर थ्रो का मिला था आई थिंक, एक आधा और मिला था, तो बढ़िया चौका बोलूँगा, पहला नहीं बोलूँगा, बढ़िया चौका वहाँ पे। ये वाला शॉट वैसे भी स्पिनर्स के अगेंस्ट काम आ जाता है भैया, 25 पे पहुँच चुके हैं, वेट कर रहा था मैं स्पिनर्स की इसीलिए कि कब आएंगे और ये वाली गेंद कराएंगे। अब तो भाई तुम जानबूझ के इस साइड जा रहे हो, किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि बिल्कुल ही ख़राब टाइमिंग आई है। एक्साइटेड हो जाता हूँ यार ऐसी बॉल देख के कि बस घुमा दो, इसी चक्कर में मुश्किल हो जाती है। चलिए 3 रन आ गए वहाँ पे, 1 रन का नुकसान हुआ है। ओके चेंज हुआ है फील्डिंग में, 28 पे अब हम पहुँच चुके हैं। अगली गेंद इस ओवर की, ये शॉट अच्छा है, पीछे फील्डर हैं, दो मैं चाहता हूँ बट मेरे चाहने से क्या होता है, एक ही रन आएगा भैया। चलिए भैया 15 ओवर डन एंड डस्टेड, 34 पे हम, 44 पे सुरयांश सिंह, शॉट अच्छा है इस बार, गैप में है, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है बट शॉट अच्छा है, 2 रन यहाँ पे बहुत ही आराम से मिलने चाहिए, मिल भी जाएंगे, बढ़िया 2 रन आते हुए। और हवा में खेलने का बहुत मन कर रहा है भैया बट टाइमिंग नहीं आ रही है, क्या करूं, इस बार आ गई है भैया टाइमिंग, और 4 रन मिलेंगे। हवा में खेला होता छक्का तो शायद फिर भी नहीं जाता, जा भी सकता था वैसे, आइडल टाइमिंग थी, पर ऐसा चौका ज़्यादा प्यारा लगता है जब दो फील्डर्स के बीच में से तुम चौका निकालो ना, मज़ा आ जाता है भैया। चलिए फील्डिंग में कुछ चेंज कर दिया साथ ही उन्होंने, ऑफ साइड पे काफ़ी ज़्यादा गैप्स दे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो गेंदबाजी है वो थोड़ी लेग साइड पे रहेगी। 2 रन यहाँ पे रहने देते यार, 2-3 बार काफ़ी क्लोज कॉल्स सुरयान सिंह के साथ रही है और वो 44 पे है तो ऐसा पंगा नहीं लेते भैया। 18 ओवर हो चुके हैं, सुरयान सिंह फाइनली भैया 58 पे पहुंच चुके हैं, क्या बात है, हम 43 पे पहुंच चुके हैं, कौन है, ओके सूर भैया, 1 रन तो बनेगा ही बनेगा यहाँ पे, और बढ़िया 1 रन और आता हुआ, तो पार्टनरशिप भी सच 100 से ऊपर चली गई, इस साइड ध्यान ही नहीं दिया यार। 19 ओवर हो चुके हैं और लेग साइड पे कुछ अच्छे गैप है यहाँ पे, चौके की कोशिश रहेगी, चलिए देखते हैं। अरे भाई क्या बढ़िया फील्डिंग की है, चौका निकल सकता था यहाँ भी, पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग, पिछली बार की तरह निकल सकता था बट अच्छे फील्डर खड़े हो तो क्या बात है। चलिए अगली गेंद इस ओवर की, चौथी आ चुकी है, देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। ये तो सीधा फील्डर के हाथ में ही दे दिया है, रन आउट के चांस भी बन सकते थे, थ्रो इतनी खास नहीं थी, रनिंग भी सही थी, 1 रन और। 20 ओवर डन हो गए भैया, 112 टीम का स्कोर हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अभी तक हमारे नॉर्थ जोन द्वारा चलती हुई। नितिन सूर अपना अगला ओवर लेके तैयार, आराम से खेला, यहाँ 2 रन बनते हैं भैया, यहाँ पे तो 2 बनते ही बनते हैं, 3 बनेंगे,
नहीं, रहने दो रहने दो यार, पंगा पंगा हो सकता है वहां पे। तो 2 रन और आ गए, अपना क्या स्कोर हो गया, ध्यान ही नहीं दिया। 49 ओके कूल, सही है भाई, 49 पे पहुंच चुके हैं, 50 बनाने के बिल्कुल पास, एक और अच्छा तक। ओ भाई डर लगता है इस टाइम पे सच्ची, खास करके ऑफ साइड की बॉल को खेलने में बहुत लगता है कि कहीं एज ना लग जाए, पर नहीं लगेगा भैया। 4 चौके जरूर लिए हैं, 4 चौके जरूर लिए हैं, 4 चौके लगे हैं, 45 गेंदे लिए हैं, 50 रनों के लिए बढ़िया बैटिंग, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन वहां पे दोनों बल्लेबाजों द्वारा अभी तक। तो रामा कृष्णा देश पांडे दूसरी तरफ से आ चुके हैं भैया, 116 टीम का स्कोर हो चुका है, अब तो उठा सकता हूँ यार, आउट ना हो जाऊँ, रुक जाता हूँ पहली गेंद पे, नहीं रिस्क लेते। तो 114 की स्पीड, एक तो स्पीड नहीं है यार किसी के पास, ऊपर से पिच नहीं है बैटिंग वाली, गलत गलत हो रहा है सब कुछ। तो नितिन सूर कंटिन्यू करेंगे, क्या बात है भैया, लेग साइड पे गैप तो अच्छा है वैसे, लातों पे आ जाओ यार, क्या बात है सच्ची, लातों पे आ गए वो। 4 रन मिलेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट चौका इस बार, कह के मारा लातों पे आ जाओ मैं मारूंगा, और मैंने मार के दिखाया इस बार। तो फाइनली फील्डर आ चुका है वहां पे, जो कि सही चीज है, और हमारा स्टेमिना खत्म हो चुका है। तो एक चीज यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देनी होगी भैया कि आई थिंक 60-70 बॉलों के बाद जो है हमारी हिटिंग कुछ खास हो नहीं सकती, स्टेमिना डाउन हो जाता है तो भैया हिटिंग मुश्किल हो जाती है, एक चीज जो मैंने नोटिस किया। जो भी है छोड़ो परे, अगली गेंद खेलते हैं, एक बार फिर से लातों पे उठा के मारने का मन कर रहा है। कंट्रोल करेंगे, अच्छा किया कंट्रोल कर लिया भैया, टाइमिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मैं सोचा था फिर मैं क्या, छोड़ो यार अभी नहीं मारते, और बढ़िया डिसीजन वहां पे कि नहीं मारा। और लास्ट बॉल आ चुकी है 100 ओवर की, बूम होगी, चलिए। और देश पांडे भैया दूसरी तरफ से गेंदबाजी कराएंगे, रिक्वायर्ड रन रेट अब कुछ भी नहीं बचा है, मैच बिल्कुल ही वन साइडेड है, यहाँ पे 2 रन और मिल जाएंगे। थोड़ा लेट रनिंग, थोड़ी लेट रनिंग हुई है, बट आई थिंक बहुत ही बढ़िया 2 रन आए वहाँ पे। 138 हो चुका है टीम का स्कोर, और जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही वन साइडेड अभी तक चल रहा है सब कुछ, अगली गेंद आएगी, लेकिन ये वाला गैप जो है इसके लिए टाइमिंग क्यों नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये वाले शॉट में टाइमिंग नहीं आई आज हमारे कवर ड्राइव के लिए। राहुल जैर वापस आ चुके हैं, 5 ओवर 34 रन दिए उन्होंने, 139 और पहला विकेट वहां पे गिर। ओ यार चल करा ले भाई, तू बॉल करा ले पहले, देखने लगा था कितना स्कोर उन्होंने बनाया, ये बढ़िया शॉट लगाया उन्हें आते ही, टाइमिंग भी अच्छी है उसके बावजूद भैया, यार आइडल टाइमिंग वाला शॉट और फुटवर्क ये ओके कह रहा है भाई, इतनी नीची बॉल को मैं बैक फुट पे कैसे खेलता, सोचो सोचो जरा सोचो। तो यहाँ पे भैया क्विकली देख लेते हैं, 73 रन बनाए उन्होंने, और देश पांडे ने बोल्ड कर दिया, कृष्ण राज सिंह आ चुके हैं भैया दूसरी तरफ से, और उसके बाद आएंगे ध्रुव शौरी, चलिए देखते हैं कृष्ण राज भैया क्या करते हैं, बॉलिंग तो ठीक कराई है उन्होंने, अगली गेंद रन लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था, एक और मिलेगा, क्या बात है बढ़िया सिंगल। 142 टीम का स्कोर हो चुका है, 25 ओवर भी हो चुके हैं, और कृष्ण राज भैया ने 5 गेंदे खेल लिया है अभी तक। ओ क्या स्विंग भाई, हाथों से स्विंग होके ऑफ स्टंप के बाहर को गई है, ये हमें भी कंफ्यूज करती है यार ऐसी चीजें। चलिए अगली गेंद, बट टाइमिंग अच्छी थी, एक चीज जो इसमें देखने को मिली अगली गेंद इस ओवर की। अरे नहीं अरे यार, लास्ट बॉल पे अच्छी टाइमिंग थी, मुझे लगा इनके ऊपर से उठा के इस बार चौका लगा सकते हैं, हवा में खेलना अभी तक भी हमारे प्लेयर के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा भैया, अग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, मुझे पता भी नहीं यार हमने अपना बैट्समैन क्या बनाया था, अब चेंज हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता ना, मुझे याद भी नहीं उस टाइम पे अग्रेसिव बनाया था, ब्रूट बनाया था, अब तो याद भी नहीं, पर बढ़िया खेले यार, आई थिंक जैसी पिच है उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया खेले, और ये होता ही है जब भी कोई बड़ी पार्टनरशिप बनती है, एक विकेट गिरता है तो बहुत चांसेस होते हैं दूसरा विकेट भी साथ गिर जाए। ध्रुव शौरी भैया अगले बल्लेबाज जाएंगे, चलिए इजिली ये मैच हमने जीत लिया है भैया, और चंदन वैगनर वहाँ पे मैन ऑफ द मैच है, 4 विकेटें लिए है, स्पिनर होके ग्रीन पिच पे तो क्यों नहीं रहेंगे। क्विकली यहाँ पे देखते भैया बाद में बल्लेबाजी में क्या हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली भैया कृष्ण राज सिंह 4 रन पे आउट हो गए, उसके बाद ध्रुव शौरी ने बेहतरीन अच्छा तक बनाया, और अतुल जायसवाल नॉट आउट रहे 32 रनों पे, बहुत ही आराम से ये मैच हमने जीत लिया, 38 ओवर्स में ही जीत लिया, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, बहुत मज़े से ये मैच जीता है और मज़ा आ गया भैया मैच खेल के, आगे चलते हैं। चलिए भैया लेवल वगैरह काफ़ी क्लोज है, हम इंक्रीज़ नहीं हुआ उसके बावजूद,
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में शायद हमें कुछ मिला हो, बिल्कुल मिला है। तो फाइनली भैया मैं स्वीप या किस तरफ जाऊं यार, किस तरफ जाऊं, स्वीप बढ़ाऊं कि स्पेशल शॉट बढ़ाऊं? स्पेशल शॉट्स हेल्प लेते हैं। स्पेशल शॉट्स टाइप्स अ कवर ऑफ अनऑर्थोडॉक्स शॉट टाइप्स। ओके, वो तो पता ही था। और स्वीप में बस स्वीप होगा। टू लो फ्लाइंग डिलीवरी, प्लेड ऑफ फ्रंट फुट, मिस टाइम स्वीप शॉट, हैव हाई चांस ऑफ बीइंग आउट। आई थिंक अनऑर्थोडॉक्स शॉट की तरफ चलते हैं यार, ट्राई भी कर लेंगे कभी कभी। तो चलिए फाइनली बैटिंग इतनी होगी अब हमारी। 63 पहले क्या थी, 62 थी आई थिंक। तो चलिए भैया अगला मैच हमारा होगा किससे होगा, साउथ जोन से होगा। साउथ जोन में हमारा कोई भी प्लेयर नहीं है जो हमने बनाया हुआ है। उसके बाद ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, हर जोन की तरफ जाएंगे मैच खेलने। कोशिश करूंगा यार नेक्स्ट पिच इसमें बैटिंग ले ले, अपना अपना ही है ना ये वाला, तो नॉर्थ जोन। जी हाँ, बैटिंग पिच लूंगा यार, बहुत हो गया बॉलिंग पिचेस में खेल खेल के पक गया हूँ मैं, रन नहीं बढ़ते यार इतने। तो बैटिंग पिच लेंगे भैया अगली बार और कोशिश करेंगे ज़्यादा रन बनाए। आई थिंक इस बार भी बढ़िया खेले, जितना कि खेले बढ़िया वहाँ पे। तो चलिए ज़्यादा लंबा क्यों खींचना आप, यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाले मैचेस भी करवाने वाले हो क्या तुम? मेरे को इतना डिमोट कर दिया गया, नहीं कराएंगे? ओके सही है, चलिए ठीक है फिर। तो चलिए भैया आई होप आपको मज़ा आया हो, ये वाला एपिसोड अच्छा बन गया, बॉलिंग अच्छी हुई, बैटिंग अच्छी हुई, दोनों चीज़ें अच्छी हुई, मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया भैया लाइक कर दीजिए, कोई भी बात है कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भैया, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।